अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे की अध्यक्षता एवं निदेशक पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ डॉक्टर पीके सिंह की उपस्थिति में संक्रामक बीमारी लंपी स्किन डिजीज के संबंध में विकास भवन सभागार में बैठक की गई। बैठक में निदेशक महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया कि लंपी स्किन डिजीज एवं गौवंशीय पशुओं में होने वाली विषाणु जनित बीमारी है। वर्तमान समय में पूरे देश में इसका काफी प्रकोप फैला हुआ है। अभी जनपद कानपुर देहात में भी इसके 4 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। यह प्रमुखता मच्छरों मक्खियों के काटने से फैलती है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में गौवंशीय पशुओं के शरीर पर सिक्के के आकार की गांठें दिखाई देने लगती हैं। साथ में पशु को बुखार भी आता है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह निर्देश दिए गए कि जनपद के बाहरी सीमा में से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाए, साथ ही वैक्सीनेशन कार्य को गति देते हुए जनपद के सभी ग्रामों में भी वैक्सीनेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जनपद में पशुओं के परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। साथ ही साथ जनपदीय सीमा के भीतर आयोजित होने वाले सभी पशु बाजारों एवं पशु मेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अतः संबंधित उप जिलाधिकारी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि कोई भी गौवंश जनपद की बाहरी सीमा से जनपद में प्रवेश न करने पाए एवं किसी भी प्रकार का पशु मेला न लगाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों को प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाए कि इस बीमारी से पशुओं को बचाने हेतु तो उनके बांधने से स्थान पर पूर्णतः साफ सफाई रखी जाए, गोबर गंदगी इत्यादि एकत्रित ना होने दिया जाए, समय समय पर मक्खी मच्छरों से बचाव हेतु नीम के पत्तों का धुआं पशुओं के पास किया जाए। जब पशुपालन विभाग की टीकाकरण टीम इस बीमारी का टीका लगाने हेतु अपने दरवाजे पर आए तो अपने गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं। बैठक में समस्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात। हमारे जनपद कानपुर देहात में लंपी स्किन डिजीज नामक जो बीमारी है, जो एक वायरल बीमारी है जो गौवंश में प्रमुखता से फैलती है, उसके हाल ही में 4 पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं, 2 भोगडीपुर क्षेत्र में और 2 डेरापुर क्षेत्र में। लंपी स्किन डिजीज़ का प्रकोप पूरे देश में तेज़ी से फैल रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जनपद में भी 4 पॉजिटिव केसेस ने दस्तक दे दिया है। यह बीमारी के अगर सिम्टम्स आप देखें तो आपके गौवंश में के पूरे शरीर पर सिक्के जैसे आकार के गांठ बनना, बुखार हो जाना, गौवंश कमज़ोर हो जाना इत्यादि, इस तरह के आपको लक्षण गौवंश में देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए बहुत सतर्क सभी लोगों को रहना होगा। जनपद कानपुर देहात के सभी नागरिकों से, जितने हमारे पशुपालक हैं, उनसे मेरा अनुरोध और अपील रहेगा कि इस समय विशेष सतर्कता बरतें और इस तरह के लक्षण कहीं भी अगर आपको अपने गौवंश में दिख रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। जिला प्रशासन की तरफ से जितने भी हमारे यहाँ पशुपालन के हाट बाज़ार लगते हैं, पशुओं को जितना ट्रांसपोर्ट या परिवहन किया जाता है उस पर पूर्णतः रोक लगी है। तो किसी भी तरह का हाट बाज़ार मेला या परिवहन अपने पशुओं का बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये छुआछूती बीमारी है, संक्रमणीय बीमारी है और बहुत तेज़ी से फैलती है। आप सब लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित होगा यदि इस बीमारी को हमें कंट्रोल करना है और जनपद से बाहर निकालना है। जब भी आपको अपने गौवंश में ऐसे लक्षण दिखें तो सर्वप्रथम तो आप उस बीमार पशु को आइसोलेट कर दीजिए, अलग रखिए ताकि बाकी में ये ना फैले। जो भी केयर टेकर उसका ध्यान रख रहा है, उसको चारा भूसा खिलाने के बाद अच्छे से अपना हाथ साफ करके सैनिटाइज करके ही दूसरे पशुओं के पास जाए। आसपास पड़ोस के पशुओं को संपर्क में मत आने दीजिए ऐसे बीमार पशु के। और टीकाकरण, निःशुल्क टीकाकरण पशुपालन विभाग जनपद कानपुर देहात द्वारा कराया जा रहा है। गोटपॉक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। यदि कोई भी हमारे वेटनरी ऑफिसर, डॉक्टर, LEO आपके दरवाजे पे आते हैं तो निःशुल्क टीकाकरण जरूर अपने पशु का आप कराइए। साथ ही साथ आइवरमेक्टिन की टैबलेट्स और वैक्सीन भी अपने पशु को दीजिए। साफ सफाई का बेहद ध्यान रखिए, क्योंकि यह बीमारी मच्छर मक्खी इत्यादि से फैलती है, गंदगी से फैलती है। तो लगातार हमारे जनपद के समस्त गौशालाओं में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सभी ग्राम सचिवों द्वारा और नगर पालिकाओं पंचायतों द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आप भी अपने स्तर पर नीम का धुआं वहाँ फैला सकते हैं जहाँ पे आपके पशु हैं। अगर किसी भी पशु को घाव है तो नीम का पेस्ट बना के नीम के पानी से उस घाव को धो सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और ये कि सभी हमारे गौवंश सुरक्षित रहें और लंपी स्किन डिजीज़ को हम लोग पूरे प्रदेश से और जनपद कानपुर देहात से ख़त्म करके रहें। तो सभी लोगों से अपील है कि विशेष रूप से सभी